साहब बेटियों के बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई, बेटियों के नखरे तो सिर्फ माँ बाप ही उठाते हैं, ये दुनिया वाले तो सिर्फ उन पर उंगलियाँ उठाते हैं। अपने हिजाब पर नाज करो लड़कियों, अपने हिजाब पर नाज करो लड़कियों, क्योंकि गुलाफ तो सिर्फ मुकद्दस किताब पर ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई, आज आपकी बात। एक भिखारी को सबसे जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, और एक मजदूर एक दिन से ज्यादा सब्र नहीं कर सकता, और एक नौकरी वाला एक महीने से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, और एक दुकानदार एक साल तक देखता है, दुकान चल गई पैसे आ गए तो ठीक है, वरना वो भी कारोबार बदलने की सोचता है, और एक बिजनेसमैन और एक ताजर को देखिए, 5 साल 10 साल वो मेहनत करता है, सब्र करता है, और इतने पैसे कमा लेता है कि उसकी आने वाली 10 नस्लें बैठ कर खाती है। जिसको जितने जल्दी पैसे चाहिए होते हैं वो उतना ही गरीब होता है। अगर आपको अमीर होना है तो लंबी रेस के घोड़े बनिए, अपनी क्वालिटी पर तवज्जो दीजिए। इतने पैसे आएंगे कि आपको मशीन लानी पड़ेगी। जो लाखों में एक होते हैं ना, वो मैं खुद हूँ। सिर्फ सोचने का तरीका बदलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौमों पर तबाही ऐसे ही नहीं आया करती, मुकम्मल तबाही से पहले कौमों में इंसानियत की तमीज खत्म हो जाया करती है। अगर आपके पास वो नहीं जो लोगों के पास है, तो यकीन करें लोगों के पास वो भी नहीं जो आपके पास है। मेरा खुदा कभी नाइंसाफी नहीं करता। अच्छे के साथ अच्छे रहो, बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि आप पानी से खून साफ कर सकते हो, खून से खून नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया कि 3 रिश्ते 3 वक्त में बेनकाब हो जाते हैं, औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में, और बीवी गरीबी में। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वजह तलाश करो अपने हार जाने की, दूसरों की जीत पर आंसू बहाने से क्या फायदा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। बहाने ढूंढते हो मुझे बदनाम करने के, बहाने ढूंढते हो मुझे बदनाम करने के, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा नफीस भाई, जरा नाम तो होने दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मांगना ही छोड़ दिया वक्त से हमने, क्या पता उसके पास भी इनकार का वक्त ना हो। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब रास्ते समझ में आते हैं तो लौट जाने का वक्त आ जाता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। नौजवानों कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अस्सलाम वालेकुम।